नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल प्रिपरेशन 247 में। दोस्तों आज हम देखेंगे रेलवे जूनियर इंजीनियर के सामान्य विज्ञान के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत मैंने फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट से 100-100 प्रश्न लिए हैं और इनसे मैंने टोटल 300 प्रश्नों की एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, जिसका ये पहला वीडियो है। मैंने टोटल 10 वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो के अंतर्गत 30 प्रश्न लिए हैं। तो इस प्रकार अगर आप हमारे ये वीडियो पूरे देख सकते हैं और इस प्रकार आपके 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे 300 प्रश्न अच्छे से देख लेते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको RRB JEE का थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ, रेलवे जूनियर इंजीनियर में क्या आने वाला है। देखिए CBT 1 की बात करें, अगर हम CBT 1 के अंतर्गत सिलेबस कैसा रहेगा, क्या आने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, थोड़ा सा आप वो समझ लीजिए। देखिए CBT 1 के अंतर्गत 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला रहेगा हमारा गणित। गणित से कितने प्रश्न आने वाले हैं हमारे, गणित से आने वाले हैं दोस्तों हमारे 30 प्रश्न। रीजनिंग से कितने आने वाले हैं, रीजनिंग से आने वाले हैं हमारे 25 प्रश्न। अगर GA की बात करें जनरल अवेयरनेस, तो उससे आने वाले 15 प्रश्न। और बात करें जनरल साइंस सामान्य ज्ञान, तो उससे आने वाले 30 प्रश्न। मैं इन 30 प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, इन 30 प्रश्नों पे हमको मेन फोकस रखना है। उसके लिए मैंने इन 30 प्रश्नों के लिए, जो ये 30 प्रश्न आएंगे और जो सबसे मेन टॉपिक है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, उसके लिए मैंने 300 प्रश्नों की एक वीडियो सीरीज बनाई है। दोस्तों 300 प्रश्नों की एक वीडियो सीरीज है और टोटल 300 प्रश्नों के लिए मैंने 10 वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो के अंतर्गत 30 प्रश्न लिए हैं। और ये किस सेक्शन से हैं, जनरल साइंस है। इसके अंतर्गत मैंने बायोलॉजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अच्छा कलेक्शन किया है। दोस्तों अगर आप हमारे 300 प्रश्न अच्छे से देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप परीक्षा में जो 30 प्रश्न आने वाले हैं सामान्य विज्ञान के, उसमें से आप आसानी से 25 प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से 25 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं आपको कि अभी मैं गणित के लिए भी 200 से 250 प्रश्नों का एक अच्छा कलेक्शन लेके आने वाला हूं और रीजनिंग के लिए भी 250 प्रश्नों का एक अच्छा सा कलेक्शन लेके आने वाला हूं। उसके लिए भी मैं एक वीडियो सीरीज बनाने वाला हूं। तो आपको हमारे ये वीडियो भी प्राप्त होते रहे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबाते रहें, जिससे कि क्या होगा कि हमारी डेली क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का हमारा पहला वीडियो देखते हैं, जो कि जनरल साइंस का है और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है। आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। देखिए जब भी हम बात करते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हम कभी कभी बोलते हैं कि कोई आकाशगंगा हमसे 3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, 3 प्रकाश वर्ष, इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश द्वारा 3 वर्ष में तय की गई दूरी। अगर मैं बोलूँ कि 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो मतलब प्रकाश द्वारा 10 वर्ष में तय की गई दूरी। इस प्रकार प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है, दूरी की। हम दूरी को नापते हैं प्रकाश वर्ष, जब दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम किलोमीटर में इसमें नहीं नाप पाते, दूरी को काय में नापते हैं, हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वह निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। आपको वह अधातु बताना है जो विद्युत की सुचालक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वह हीरे का अपवर्तनांक होता है। आपको बताना हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। जब भी आपने देखा होगा कि पानी से कोई बाल्टी भरी रहती है तो उसकी गहराई हमको कम दिखती है, मतलब वो उसका थोड़ा सा जो तला रहता है वो थोड़ा सा हमको ऊपर दिखता है, तो उसका कारण क्या है हमको बताना है यहाँ पर, ये विज्ञान के किस सिद्धांत पे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो 5वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वह निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और यह कार्बन का अपर रूप भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने RRB जोन का, जिस जोन से आपने फॉर्म डाला है, उस RRB जोन का नाम लिखना ना भूले, क्योंकि क्या होगा कि जब भी एग्जाम होगी
तो मैं उस दिन आपको कंप्लीट आपके आरआरबी जोन का पेपर का एनालिसिस और कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, इसलिए आपको वो अपडेट मिल जाए, इसलिए अपने आरआरबी जोन का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विषाणु। जो जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है वह विषाणुओं के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे जो सातवें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वह नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या आवश्यक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, यूरेनियम से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, वह फेफड़ों का आकार होता है, आपको बताना कि फेफड़ों का आकार कैसा होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शंकुआकार। कैसा आकार होता है, शंकुआकार, शंकु के आकार के होते हैं फेफड़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा उल्टा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, वह भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, आपको बताना है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपचयन। भोजन की पाचन, जो भोजन का, जो भोजन पचता है हमारा, वो एक अपचयन के माध्यम से पचता है। वो क्रिया कौन सी कहलाती है, अपचयन क्रिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए दोस्तों, पदार्थ जो रहता है उसके संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान किससे प्राप्त किया जाता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, मतलब अगर संवेग बटा वेग लिख दें हम तो हमें द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी घनत्व। क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो तेरहवें नंबर का प्रश्न है, वह निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है, आपको बताना है कि इनमें से कौन अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है डुबो कर, क्योंकि अगर हम इसे पानी में डुबो कर नहीं रखेंगे तो ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए इसको हमें पानी में डुबो कर रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखें। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। किसको रखना पड़ता है पानी के अंदर डुबो कर, श्वेत फास्फोरस को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, वह निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस के लिए नहीं किया जाता, बाकी जल का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है और कांच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, वह मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बेकिंग सोडा। जब भी मधुमक्खी काटती है तो आप अगर बेकिंग सोडा का यूज करेंगे तो वह लाभकारी रहेगा उसके डंक से बचाव के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, वह ड्रेट्रोलॉजी का संबंध है, आपको बताना कि ड्रेट्रोलॉजी का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से। ड्रेट्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीव विज्ञान का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, आपको पता है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है, आपको बताना है कि इस परिघटना का कारण क्या है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। किस लिए तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चेचक। चेचक किससे फैलता है, बैक्टीरिया से, याद रखिएगा, बैक्टीरिया चेचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह, आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रेटिना। क्या कहते हैं हम उस भाग को, रेटिना कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो अगला प्रश्न है वह मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य सूंघते हैं उस क्षमता को कौन नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा घ्राणेन्द्रिय पाली। कौन नियंत्रित करता है उसको? घ्राणेन्द्रिय पाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा घ्राणेन्द्रिय पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला प्रश्न है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि पीडोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भूमि का। पीडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? आपको बताना है कि इस्पात के अंतर्गत कितना प्रतिशत कार्बन होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2%। इस्पात के अंतर्गत 2% कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 23वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों वह टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? आपको बताना है कि टार्च से जो प्रकाश निकलता है उससे किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संसत प्रकाश पुंज। क्या होगा? संसत प्रकाश पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? आपको बताना है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 25वें नंबर का प्रश्न है वह शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? आपको बताना है कि जो शैवाल रहते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों काल्पनिक। जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। आपके घरों में, अपने घरों में जो कांच होता है जिसमें हम चेहरा, हमारा फेस देखते हैं, वो अक्सर समतल दर्पण ही होते हैं और जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन अगला प्रश्न से पहले मैं बता दूं कि वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, कि शेयर करेंगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा और हमको और ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेचक। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसका रंग कैसा होता है? जो कॉपर चूर्ण को हम जब गर्म करते हैं तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की जो परत जमती है आपको उसका कलर बताना है, उसका रंग कैसा है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों काला। कैसा रंग होता है उसका? काला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 29वें नंबर का प्रश्न है पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश CO2 और जल द्वारा भोजन तैयार करने की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कि जो पौधे रहते हैं वो सूर्य प्रकाश CO2 और जल के द्वारा उनका भोजन जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो तैयार करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रकाश रासायनिक। क्या कहते हैं हम उसको? प्रकाश रासायनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। मैंने टोटल 10 वीडियो बनाए हैं, हर वीडियो के अंतर्गत 30 प्रश्न लिए हैं। इस प्रकार हमारे 300 सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं जो कि RRB जूनियर इंजीनियर, रेलवे जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन 300 प्रश्नों को, मेरे सभी 10 वीडियो देख लिए, तो आप यकीन मानिए आपको परीक्षा में 25 में से 25 मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। मैंने सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए। मैं अभी गणित और रीजनिंग के भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उनको भी देखिए। चलिए हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करती है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं अभी फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे नए नए वीडियो रेलवे जूनियर इंजीनियर के लिए डेली क्लास लगाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको गणित के, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस और सामान्य ज्ञान के भी कुछ और प्रश्न बताने वाला हूं। मैंने टोटल सभी के मिला के अगर देखा जाए तो 1000 प्रश्नों के कलेक्शन कर रखा है, जो कि रेलवे जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।